हेलो दोस्त, कैसे हैं आप लोग? दोस्त, आज हम लोग बात करने के लिए जा रहे हैं अजीमुथ एंड डिग्री के बारे में। दोस्त, जैसा मैं आपको बता रहा हूं कि इस चैनल पे आप छोटी छोटी चीजें के बारे में जानेंगे और बड़ी सी बड़ी चीजें के बारे में जानेंगे, जो न्यू टेक्नोलॉजी है, जो अपकमिंग टेक्नोलॉजी है, उसके बारे में आपको बताऊंगा। और मैं एकदम से प्रैक्टिकली आपको बताऊंगा। मैं ज्यादा थ्योरेटिकली या किसी बुक से ऐसा लेकर नहीं आऊंगा कि मैं आपको बताऊं और आपको समझ में ना आए, ठीक है? तो मैं इसलिए बोल रहा हूं कि अगर जो भी आप न्यू व्यूअर है, जो मतलब मेरा इस वीडियो को देख रहे हैं, तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिए। अगर कुछ पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ भी सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो आज हम लोग बात करेंगे अजीमुथ एंड डिग्री के बारे में। अजीमुथ क्या होता है, डिग्री क्या होता है, ठीक है? तो पहले हम आपको बताते हैं, हम यहाँ पे कुछ लिख के रखे हैं, इसके बारे में हम बताते हैं। उसके बाद में आपको सारी कहानी सब कुछ बताऊंगा, इसमें क्या है और किस तरह से हम लोग अजीमुथ और डिग्री को हम लोग देखते हैं और साइड पे मेजर कर सकते हैं। ओके, यहाँ पे लिखा हुआ अजीमुथ इज द डायरेक्शन। तो अजीमुथ क्या है? तो अजीमुथ क्या है, एक डायरेक्शन है, ठीक है, व्हिच इज मेजर इन डिग्री, जो हम मेजर करते हैं डिग्री में, ठीक है, डिग्री। क्लॉकवाइज फ्रॉम नॉर्थ एंड अजीमुथ सर्कल, अजीमुथ एंगल सर्कल कंसिस्ट ऑफ 360 डिग्री। तो अजीमुथ क्या है, एक डिग्री है, जो मतलब अजीमुथ है। अजीमुथ एक डायरेक्शन हो गया, एक दिशा हो गया, ठीक है। और उस दिशा को जो हम मेजर करते हैं तो हम डिग्री में मेजर करते हैं। जैसे अब ये क्लॉक देख रहे होंगे, ठीक है, ये तो आपका कंपास है। आप इस क्लॉक को देखिए, नॉर्थ से स्टार्ट हुआ है, फिर नॉर्थ ईस्ट आया है, फिर ये ईस्ट हो गया, ये हो गया साउथ ईस्ट, फिर साउथ हो गया, साउथ वेस्ट, वेस्ट हो गया, और नॉर्थ वेस्ट, ये हो गया आपका। तो यहां से जो स्टार्ट हुआ ये 0 डिग्री, और 0 डिग्री इक्वल टू होता है 360 डिग्री। तो ये याद रखिएगा, 0 डिग्री यहां से स्टार्ट हुआ और इस तरह आके फिर यहाँ पे 0 पे आप पहुंच गया, तो हो गया 360 डिग्री। इसलिए हम लोग बोलते हैं 0 डिग्री इक्वल टू 360 डिग्री, ठीक है। अब जो हम एंटीना इंस्टॉल करते हैं, जो एंटीना इंस्टॉल करते हैं एज पर प्लान, ठीक है, प्लान कैसे सेट करते हैं, तो जिस दिशा में ज्यादा ट्रैफिक होता है, ठीक है, सपोज दैट मेरा नॉर्थ दिशा में ज्यादा ट्रैफिक है, तो हम एंटीना अपना 0 डिग्री पे सेट करेंगे, या 360 डिग्री भी बोल सकते हैं। अगर मेरा जो पॉपुलेशन है, जो ज्यादा मेरा ट्रैफिक है नॉर्थ ईस्ट में, तो नॉर्थ ईस्ट में आप देख सकते हैं 10 डिग्री है, 20 है, 30 है, 40 है, 50 है, 60 है, 70 है, 80 है। ये आपका ये जो पूरा जो डिग्री है, ये जो डायरेक्शन है आपका नॉर्थ ईस्ट में आ रहा है, ठीक है। तो आप यहाँ पे 30 पे सेट सका 30 डिग्री पे सेट कर सकते हैं अपना एंटीना को, 40 से भी सेट करते हैं, 50 पे। इसी तरह आपको इस दिशा में भी आपको 280 पे सेट कर सकते हैं, 300 पर सेट कर सकते हैं, इस तरह से, ठीक है। तो जो हम लोग सेक्टर इंस्टॉल करते हैं, जो एंटीना इंस्टॉल करते हैं सेक्टर वाइज, तो मेरा जो सेक्टर जो शुरू होता है वो होता है 0 डिग्री, मतलब नॉर्थ के तरफ से शुरू होता है। अगर मेरा फर्स्ट सेक्टर है, अगर हम फर्स्ट सेक्टर को 100 डिग्री पे इंस्टॉल करने के लिए जा रहे हैं, या 110 100 डिग्री पे इंस्टॉल करने के लिए जा रहे हैं, तो नॉर्थ से देखेंगे तो बाल मेरा फर्स्ट सेक्टर होगा। अगर हम फर्स्ट सेक्टर को 220 डिग्री पे इंस्टॉल कर रहे हैं और नॉर्थ में मेरा कोई भी एंटीना नहीं है, तो ये होगा 220 डिग्री पे जो भी एंटीना हम इंस्टॉल करेंगे वो होगा मेरा फर्स्ट सेक्टर, और 310 पे जो भी एंटीना इंस्टॉल करेंगे वो होगा मेरा सेकेंड सेक्टर, और 350 पे जो भी एंटीना इंस्टॉल करेंगे वो मेरा होगा थर्ड सेक्टर, ठीक है। तो जो फैक्टर हम लोग जो हम टावर पे जो सेक्टर इंस्टॉल करते हैं वो नॉर्थ मतलब क्लॉकवाइज होता है, नॉर्थ से आएगा इस तरह से, 0 डिग्री से होकर इस तरह आएगा, ठीक है। तो इस तरह से सेक्टर हम इंस्टॉल करते हैं और डायरेक्शन फिक्स करते हैं एज पर प्लान। एज पर प्लान में देखा जाता है कि कौन सा डायरेक्शन में ज्यादा ट्रैफिक है, कौन सा डायरेक्शन में ज्यादा लोग रहते हैं या पॉपुलेशन ज्यादा है, उस तरह से देखते हैं, ताकि क्या होता है उसी दिशा में हम एंटीना सेट करेंगे, और मेरा कैवरेज जो मेरा एंटीना है वो कैवरेज देगा, और उसके बाद जो भी मोबाइल कनेक्टिविटी है, ठीक है, वो एंटीना से कनेक्ट होगा और जो नेटवर्क है वो लोगों तक पहुंचेगा और लोगों को दिक्कत नहीं होगा, और कंपनी को भी फायदा होता है, कंपनी को भी कमाई होती है अगर ज्यादा ट्रैफिक रहती है, तो इस तरह से होता है। और हम इसको
मान लीजिए सपोज दैट ये हम एंटीना इंस्टॉल कर दिए हैं 280 डिग्री पे, ये एंटीना है ठीक है, और इसको हम मान लिया जाए ये सेकेंड सेक्टर है, 280 डिग्री पे हम इंस्टॉल कर दिए हैं ठीक है, तो हम इसको मेजर कैसे करेंगे, ये मुझे पता कैसे चलेगा कि ये 280 डिग्री पे इंस्टॉल किया हुआ है। तो ये कंपास देख रहे हैं दोस्त, इस कंपास से हम मेजर कर सकते हैं। जैसे ये आपका ग्रीनफील्ड टावर है ठीक है, इसको जीबीटी बोलते हैं ग्रीनफील्ड टावर, तो इसको हम कैसे मेजर करेंगे, एग्जैक्ट इस एंटीना के नीचे में खड़े होंगे हम ठीक है, एग्जैक्ट इस एंटीना के नीचे में खड़े होंगे और कंपास को अच्छी तरह से हथेली पे पकड़ेंगे, हथेली पे ठीक है, और अच्छे एकदम सही डायरेक्शन में रखेंगे, तो आपका जो ये जो क्लॉक है ठीक है, ये ऑटोमेटिक आपका डिग्री पे चला जाएगा ठीक है, 280 डिग्री पे ऑटोमेटिक चला जाएगा ये, कि ये एंटीना यहाँ पे 2 डिग्री पे इंस्टॉल किया हुआ है ठीक है। आपको आपको अभी समझ में नहीं आएगा, लेकिन जब इसको प्रैक्टिकली करके देखेंगे और किसी से हेल्प लेके अगर करके देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। नीचे यहाँ पे खड़े रहिए और सीधा जो एंटीना उसके सीधा नीचे खड़ा रहिए ठीक है, और उसको देखिए अपने हथेली पे लेके, तो पता चल जाएगा कि वो एंटीना किस डायरेक्शन में कितने डिग्री पे इंस्टॉल किया हुआ है ठीक है। तो आपको अजीमुथ आपको जो डायरेक्शन पता चल जाएगा, नॉर्थ है ईस्ट है क्या है, और आपका डिग्री पता चल जाएगा ठीक है, इस तरह से आप पता कर सकते हैं। अब चलिए हम कुछ यहाँ पे जान लेते हैं ठीक है। जैसा मैंने आपको बताया कि जो मेरा जो सेक्टर है, जैसे फर्स्ट सेक्टर, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, जो भी सेक्टर है मेरा जो है ना, ये नॉर्थ से स्टार्ट होता है, नॉर्थ से आता है ईस्ट, ईस्ट से साउथ, साउथ से वेस्ट, इस तरह से स्टार्ट होता है, ये नहीं कि नॉर्थ से वेस्ट इस तरह आएगा, ये उल्टा हो जाएगा ठीक है। तो मेरा क्या आता है, क्लॉकवाइज में आता है ठीक है, हम एंटी जो सेक्टर इंस्टॉल करते हैं टावर पे क्लॉकवाइज में आता है। जैसे ये मेरा है फर्स्ट सेक्टर ठीक है, ये मेरा फर्स्ट सेक्टर है, ये मेरा सेकंड सेक्टर है, तो ये मेरा जो फर्स्ट सेक्टर है हम इसको 100 डिग्री पे इंस्टॉल करेंगे, या जो भी प्लान दिया हुआ रहेगा ठीक है, अगर प्लान में 130 है तो 130 पे इसको इंस्टॉल करेंगे, और ये जो है सेकेंड सेक्टर ठीक है, ये सेकेंड सेक्टर है, तो या इसको हम 270 या जो भी प्लान रहेगा, ये 340 जहाँ पे भी मतलब जहाँ पे भी प्लान में दिया रहेगा कि इस डिग्री पे एंटीना को इंस्टॉल करना है, तो इस डिग्री पे करेंगे। तो इस टावर पे आप देख रहे होंगे दो ही सेक्टर है, ये आपका हो गया फर्स्ट और ये आपका हो गया सेकेंड सेक्टर ठीक है। तो इस तरह से हम मतलब अजीमुथ और डिग्री को हम जानते हैं टावर पे, और इस तरह से इसके अकॉर्डिंग हम एंटीना को इंस्टॉल करते हैं ठीक है। तो आई होप आपको जो भी डाउट होगा जिमुत और डिग्री के बारे में क्लियर हो गया होगा। अगर अगर लगता है कि मैं आपको कुछ और मतलब और मुझे बताना है, तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं ठीक है, तो मैं आपको बता दूंगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अच्छी वीडियो के साथ। बाय बाय, थैंक यू।